आरबीआई ने बदले नियम, आरटीजीएस करने वालों के लिए गुड न्यूज, देखें आपके फायदे की बात। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को लेकर नियम में बड़ा बदलाव किया है। 1 दिसंबर 2020 से बैंक के कई नियम बदलने वाले हैं। आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से फंड ट्रांसफर तेज होता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट से आप एक क्लिक के जरिए अपने दोस्त या रिश्तेदारों को घर बैठे पैसे भेज सकते हैं। इसमें न्यूनतम 2 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और नकदी उपलब्ध कराने के लिए अक्टूबर 2013 में आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली शुरू की थी। ये ट्रांजैक्शन कितनी भी बार कर सकते हैं। इससे फंड ट्रांसफर इंस्टेंट होता है। सुबह 8 से 11 बजे तक आरटीजीएस करने पर कोई चार्ज नहीं लगता। इस चैनल में ऑनलाइन रकम ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा 2 लाख रुपए है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा का फायदा। नए नियम में अब 24 घंटे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सुविधा का फायदा मिलेगा। आरबीआई इस व्यवस्था को 1 दिसंबर से लागू करेगा। अब ये सर्विस 24 घंटे काम नहीं करती। आरबीआई ने ये फैसला बड़े ट्रांजैक्शन या मोटा फंड ट्रांसफर करने वालों को ध्यान में रखकर किया है। अब होगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 24 घंटे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अक्टूबर क्रेडिट पॉलिसी में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को 24 घंटे शुरू करने का निर्णय लिया है। एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए सारे विकल्प मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस है। बता दें, पिछले साल दिसंबर में ही एनईएफटी को भी 24 घंटे के लिए शुरू किया गया था। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक आरटीजीएस सर्विस सुबह 8 से शाम 7:55 बजे तक ही मिलती है। कैसे करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आप बैंक ब्रांच जाकर या फिर ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में आप आरटीजीएस वाला ऑप्शन चुनें और बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल डालकर ऐड करें। उसके बाद जितनी रकम भेजनी है वो भरें और सबमिट कर दें। जिस तरह से एनईएफटी और आईएमपीएस किया जाता है, ठीक उसी तरह का इसका भी प्रोसेस होता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।